ये पेरिस बना हुआ है। तो सीन ये, हमने बजट कम था ना, तो हमने कहा यहीं पे हम वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हबीब मलिक, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आया, घर गया और घर के बाद बस मैं यहाँ आ गया ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंट्रीज बनी हुई हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। तो हर कंट्री के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है वो उस कंट्री के हिसाब से होता है। तो जैसे अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं ना, तो जो दीवारें होती हैं और जो आर्ट होता है और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो पाकिस्तान की तरह की ही होती हैं। इंडिया में जाएंगे, जैसा इंडिया का कल्चर होता है वहाँ पर लोग वगैरह, और जिस और हर कंट्री में उस कंट्री की जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। तो खैर है, अभी अंदर जाऊंगा फिर मज़ीद दिखाता हूँ। 25 दिरहम का टिकट है अगर वीकडेज में आएंगे, बस नहीं सॉरी, संडे टू थर्सडे है 20 दिरहम का टिकट और वीकेंड्स में 25 दिरहम का टिकट। तो खैर ये टिकट सिर्फ एंट्री के लिए होता है, उसके अंदर अब ग्लोबल विलेज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी, मतलब आप एक दिन में ना घूम नहीं सकते, आप थक जाओगे, क्योंकि 30-40 कंट्रीज होती हैं। उसके बाद अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं हर कंट्री के अंदर, उसका उस कंट्री की स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे खाना वगैरह हो गया और कपड़े हो गए, क्लोथिंग उस कंट्री की हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत बड़ा प्ले एरिया बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे राइड्स वगैरह हैं। तो मैं वहाँ पे भी शायद जाऊँ या आज सिर्फ कंट्रीज घूमूँ, तो देखते हैं। अभी टिकट परचेस कर रहे हैं हम, तो लेट्स सी। टिकट ले लिया है आखिरकार, फाइनली। ये है ग्लोबल विलेज। अब यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि हर कंट्री की जो स्पेशलिटी होगी ना वो यहाँ पे होगी, जैसे ये है। और अब ये चाइना का है, ये लंदन बेल, और ये इजिप्ट के पिरामिड्स बने हुए हैं। ये है वो इटली वाला रोम है। ये वही चाइना का, ये पेरिस बना हुआ है। तो सीन ये, हमने बजट कम था ना, तो हमने कहा यहीं पे हम वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। थाई चाइनीज मसाज, यहाँ पे भी जाना पड़ेगा यार। और ये शायद वो बना हुआ है, ये ताजमहल बना हुआ है इंडिया का, और ये ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में है ना, ये वो है। और ये भी एंट्रेंस है, ये सिर्फ ना बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स मशहूर हैं पूरी दुनिया में ये वो हैं। दुबई की खासियत ये है कि यहाँ पे हर वक्त आपको स्मेल स्मेल और स्मेल, अच्छी स्मेल्स आपको मिलेंगी हर जगह पे, परफ्यूम मिलते रहते हैं। अब ये व्हाट इज़ दिस, अब ये फर्स्ट कंट्री, जैसे ही हम ग्लोबल विलेज में एंटर होते हैं ना, फर्स्ट कंट्री राइट साइड पे आता है वो है टर्की।
उसके बाद बना हुआ है पाकिस्तान। अब ये यहाँ पे आर्टिस्ट वगैरह जो भी स्ट्रीट आइटम्स मिल रहे होते हैं, जैसे ये आर्टिस्ट है ये पिक्चर्स बनाते हैं, बहुत बहुत चार्ज करता होगा यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट है ना। अब ये आइसक्रीम वगैरह है, ये लाइव वॉलनट्स होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, तो ये वॉलनट्स बन रहे हैं, इसको भूनते हैं। और कौन है, लोग बैठे हुए हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं, हर बंदा कोई किसी की उंगली नहीं करता। ये पाकिस्तान है, अब अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो पाकिस्तान, अब ये देखें यहाँ पे पाकिस्तानी चीज़ें आपको मिलेंगी, वो उमर टेक्सटाइल, ये लखानी लेदर, अब यहाँ पे आपको पाकिस्तानी कपड़ा वगैरह मिलेगा और जो चीज़ें पाकिस्तान में चलती हैं मेड इन पाकिस्तान आइटम मिलेगा आपको यहाँ पे, तो ये अच्छी चीज़ है। ये मेन एंट्रेंस है हमारा पाकिस्तान की, तो अभी सबसे पहले टर्की आया, फिर सेकंड नंबर पे पाकिस्तान आया, आगे कुछ और भी आएगा। अभी शाही किला बना हुआ है, अंदर पाकिस्तानी ट्रेडिशनल चीज़ें ही मिलेंगी। जब जैसे शाही किला बना हुआ है, लेदर हब, जैन लेदर, एक्स वाई जेड, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। ये यूएई बना हुआ है, अब यहाँ पे इमिराती कपड़े वगैरह मिलेंगे, परफ्यूम्स मिलेंगे और क्या मिलेगा, बस इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, ज्वेलरी मिलेगी, जितनी भी खजूरें वगैरह बहुत मिलेंगी। अब ये लेफ्ट, अब राइट साइड पे कंट्रीज चलती हुई जा रही हैं, लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट आइटम्स है, टर्किश कबाब है, कड़क टी होती है यहाँ पे, जैसे हम चाय पीते हैं, फ्रूट्स और वही चेस्टनट्स, सॉरी मैंने पहले वॉलनट्स बोला था, इसको चेस्टनट्स कहते हैं, तो खैर अब खैर हो गए हम वैसे ही। आधा ग्रुप हमारा पता नहीं कहाँ है, आधा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी मैं इसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, ये कबाब जामन अवल। तो ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप बहुत सारी कंट्रीज का लुत्फ उठा सकते हैं एक सिंगल प्लेस में। यहाँ क्या होता है, ये डॉल्फिन शो टाइप है यार, ये हमें पता नहीं है क्या, लेकिन ये कुछ इसी टाइप का, हाँ स्टर्न शो है, एक्वा एक्शन स्टर्न शो, तो पता नहीं क्या मछली वगैरह होती होगी कुछ। सीरिया आ गया, फलाफिल है, अरेबिक डिश है, अब ये पॉपकॉर्न बेच रहा है। फलाफिल एक अरेबिक डिश है, शवरमा टाइप होता है, उसके अंदर ना कबाब टाइप चीज होती है, दाल के कबाब जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, उस टाइप की कोई चीज़ होती है। ये सीरिया है, तो ये सीरियन क्लोथ्स, वहाँ की खुशबू और कल्चरल प्रोडक्ट्स मिलती हैं हर। ये रहना, तो आगे कुछ शो वगैरह भी चल रहा है, ये डायनामाइट श्रिम्स एंड पास्ता है। शोर बहुत है, माइक मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं घर पहुंचा ही था और मैं बाहर आ गया था। अब यहाँ पे देखें, अब इफ यू कैन सी यूरोप अमेरिका, अफ्रीका, ये मेरे पीछे अफ्रीका है, अब ऐसे नजर भी नहीं आ रहा, मैं दिखाऊंगा वैसे। अब ये अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया, वो सारी स्कूटीज देखें, और मेरे वाले गायब हो जाते हैं अचानक। बिलीव इट और नॉट, ग्लोबल विलेज दुबई में, अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और एंड देन आई विल शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन। बोस्निया नाव से, बोस्निया वगैरह का फूड होता है यहाँ।
दे लाइक टर्किश आइसक्रीम।